हमारे रसूल की मुहमद सिलादत आदत मौसम बहार में पीर के दिन सुबह सादिक के बाद और तुलुए आफताब से पहले 9 रबी अव्वल सन आम उल्फील बीस या 22 अप्रैल पांच सौ ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई पीर का दिन आपकी मुबारक जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है सैदिना इबन अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि आप पीर को पैदा हुए हिजरत के लिए निकले सोमवार तशरीफ लाए और आपने पीर ही के दिन इस दारे फानी को खैरबाद कहा आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुतलिब आपको गोद में उठाकर खाना काबा में ले गए आपके लिए दुआ की और मोहम्मद नाम रखा पोते की पैदाइश की खुशी में सातवें दिन अपने कबीले की दावत की लोगों ने आपके दादा से पूछा आपने नौमौलूद का नाम दूसरे लोगों के नामों जैसा क्यों नहीं रखा उन्होंने जवाब दिया मैं चाहता हूं मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तोसीफ हासिल करे आपकी वालिदा सैदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा इंजील में बतौर पेश गुई आपके दो नाम आए हैं फारकलीद और मनहमना कुरान मजीद की सूरह अंबिया आयत 107 में अल्लाह ताला ने आपको रमत आलमीन कहा है आलमीन। यानी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है आपका नामा इस तरह है मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कु बिन किलाब बिन मुर्र बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान इस बात पर सबका इतफाक है कि अदनान सैदिना इसमाइल की नस्ल से हैं, लेकिन दोनों के दरमियान में कितनी पुश्ते हैं और उनके नाम क्या क्या है इसमें बहुत पाया जाता है। आपकी वालिदा का नाम सैदा आमिना था सैदा आमिना के वालिद वहाब बिन अब्द मनाफ बिन जोहरा बिन किलाब थे वही किलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी नबी वसल्लम के, के इसलिए किलाब के नाम से मशहूर हो गए अरबी में किलाब कुत्तों को कहते हैं आप इस्मा की औलाद में से हैं इस्माईलम की खातिर जब अल्लाह तला ने जमसम का कुआ जारी किया तो कबाइल जुरहम और एयाद के खाना बदोश अरब हाजरा की इजाजत से वहां आकर रिहायश पजीर हुए काबे के मुतवली जुरहुम और सैदना इस्माइल की औलाद में काबे की तौलियत के सिलसिले में झगड़ा हुआ तो काबे की खिदमत और तौलियत औलाद इसमाईल और बनु जुरहम में तकसीम हो गई और जब बनु खुजा ने लड़कर मक्के पर कब्जा किया तो एक मुद्दत तक काबे की तौलियत भी उनके पास रही लेकिन बनु इस्माइल बहरहाल मक्के ही में रहे उनके एक फर्द किलाब ने शिमाली अरब में कबीला खुजा में शादी की उससे कुसई पैदा हुए वो जवान होकर अपने कबीले में वापस आ गए खुसर की वफात के बाद कुसई ने अपने नन्हहाल की मदद से बनु खुजा को मजबूर किया कि वो शहर छोड़कर मुजाफात में जा बसा बनु खुजा के सरदार ने काबे के कीमती चढ़ावों को जमजम के कुएं में डालकर उसको पाट दिया और कुआं गायब हो गया फिर कुसई को बहुत बड़ा इकतदार हासिल हुआ उसकी औलाद फली फूली और उसे कौम का बहुत बड़ा सरदार तस्लीम किया गया कुसई ने मक्के में एक शहरी ममलकत का आगाज किया वहाँ दारदवानी पार्लियामेंट और टैक्स के नए माहकमे कायम किए लेकिन वफात के वक्त हुकूमत अपने बच्चों में तकसीम कर दी किसी को काबे की रखवाली सौंपी किसी को चाबी दी किसी को फौज की क्यादत तो किसी को टैक्स का हिसाब किताब सौंपा बाद की नस्लों में इंतजाम की मजीद तकसीम दर तकसीम हुई आगाज इस्लाम के वक्त वहां दस सरदारों की एक मजलिस कार फरमा नजर आती थी कुसई के चार बेटे थे उनमें अपदे मुनाफ बड़े नामवर और साहिब इज्जत हुए अब्दे मनाफ के भी चार बेटे थे उनमें हाशिम शोहरत में सबकत ले गए हाशिम आपके परदादा थे बहुत दौलतमंद होने के साथ साथ सखावत, मुरवत और एहसान में भी बेमिसाल थे हाशिम कहलाने की वजह ये थी कि उनके अहद में एक मर्तबा मक्का मुकरमा में कहत पड़ गया ये फिलस्तीन गए और ऊंटों पर आटे की बहुत सी बोरियां लाद लाए बहुत से ऊंट जबाह किए उनका शोरबा तैयार किया रोटियां पकवाई इन रोटियों को शोरबे में भिगो भिगो कर आहले शहर को खिलाते रहे अरब इस खाने को हशीम और सुरीद कहते हैं। सिलसिला एक मुद्दत तक जारी रहा। इसी वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया वो हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे इसी सखावत और फयाजी से हाशिम का नाम पूरे अरब में मशहूर हो गया जाती असर और वजाहत की वजह से उनकी दूसरे मुमालिक के दरबारों में भी रसाई थी उन्होंने ही कुरैश में सबसे पहले ये दस्तूर जारी किया कि साल में दो मर्तबा तिजारती काफ़ले रवाना हुआ करें मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ चुनाचे इसी दस्तूर के मुताबिक दोनों मौसमों में काफिले रवाना होते थे सूरत कुरैश में अल्लाह ने कुरैश को यही इनाम याद दिलाया है क्योंकि कुरैश अल्लाह की रहमत से मौसम सरमा और गर्मा के आदि हो गए उनकी समझ में ये बात आ गई कि इस नेमत के शुक्रिया में अल्लाह की इबादत करना चाहिए जो इस घर का मालिक है और उसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ से अमन बख्शा नज्जाशी शाह हाशिम की बेहद खातिर मदारत करता और तोहफे तहाय भी पेश करता कैसर रूम भी उनसे बहुत मेहरबानी से पेश आता था हाशिम ने यमन और रूम की हुकूमत से कुरैश के तिजारती काफिले की हिफाजत का हुक्म हासिल किया और ये उनके आला तदबर का नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के तजारती काफिलों के लिए महफूज हो गए इस तरह मक्का मुकर्रमा बैन अवी तजारत का मरकज बन गया इससे खाना काबा की जियारत और फरीजा हज आम हो गए और मक्की जुबान भी मुल्क के चारों तरफ समझी जाने लगी इन क्रैशी काफिलों और सालाना मेलों की वजह से ज़ज़ीरा नुमाए अरब में एक माशी मरकज पैदा हो गया इन सालाना मेलों में कुरैश को दाराना तिजारत और काफ़िलों की हिफाजत के सिलसिले में बहुत अहमियत हासिल थी इस तरह मक्का मुकरमा तजारती मरकज बना जिसने सियासी मरकजियत का रास्ता खोला जो इस्लाम का कारनामा बनने वाला था एक सौ सतानवे ईस्वी के चंद माह बाद हाशिम की बीवी सलमा बिनते अमर के यहाँ मदीना मुनवरा में शैबा यानी अब्दुल मुतलिब पैदा हुए बच्चे के सर में कुछ बाल सफेद थे इसलिए उनका नाम शैबा रखा गया शैबा का मतलब है बूढ़ा हाशिम की वफात के बाद जिम्मेदारियाँ उनके भाई मुत्तलिब ने संभाल ली थी गोया मुत्तलिब शैबा का चचा था उसकी वफात के बाद शैबा ने रिफादा और सिकाया की जिम्मेदारियां खूबी से संभाली उन्होंने यमन और हबशा के दरबारों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी की उनकी मिल्कियत में एक कुदरती चश्मा भी था एक दिन ख्वाब में उन्हें इशारा मिला कि फुला जगह खोद कर गायब शुदा जमजम का कुआं बरामद करें खोदते वक्त उससे उन्हें दफनशुदा खजाना भी मिला जो काबे के चढ़ावों पर मुश्तमिल था अब्दुल मुत्तलिब को जमजम की मिल्कियत के लिए बहुत दुश्वारियां पेश आईं मगर अहले शहर अमन पसंद थे उन्होंने तय किया कि किसी गैर जानिबदार हाकिम से इसका फैसला करा लिया जाए अब्दुल मुतलिब ने यह बात मान ली लेकिन परेशान भी थे इसलिए मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे दस बेटे दिए और वो बलूगत को पहुंचे तो मैं उनमें से एक को काबे में जाकर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा जब दसवा बेटा भी बलूगत को पहुंच गया तो अब्दुल मुतलब को मन्नत याद आई उन्होंने बेटों के दरमियान कुरा डाला ताकि जिसका नाम निकले उसे कुर्बान कर दे कुरा नबी अक्रम सल्ह वसलम के वालिद अब्दुल्लाह के नाम निकला अब्दुल मुतलिब का इरादा देखकर रिश्तेदारों और दोस्तों ने दखल अंदाजी की और उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी खातून अर्राफा के पास जाकर हल दरिया करें चुनाचे मुतलिब एक अर्राफा के पास गए उसने मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटे और दस ऊंटों के दरम्यान कुरा डालो अगर अब्दुल्लाह के नाम निकले तो मजीद दस ऊंट बढ़ा दो इस तरह खून बहा की मकदार में इजाफा करते जाओ यहाँ तक के कुरा खून बहा पर निकले उन्होंने कुरा अंदाजी शुरू की कुरा हर बार अब्दुल्लाह के नाम निकलता रहा ये दस ऊँट हर बार बढ़ाते गए जब सौ ऊँट पूरे हो गए तब कुरा ऊँटों के नाम निकला अब्दुल मुतलिब ने तीन बार ऐसा किया ताकि इतमान हो जाए हर बार सौ ऊँटों ही का कुरा निकला अब उन्हें इतमान हो गया की यही अल्लाह को मंजूर है वाक के पचास पचपन दिन बाद अब्दुल मुतलिब काबे का तवाफ कर रहे थे कि उन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली पिछहत्तर साल दादा बहुत खुश हुए नबी करीम उनके प्यारे फर्जंद जनाबे की यादगार थे जिनकी जिंदगी सौ ऊंटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए उनकी वफात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुंचा था पोते की विलादत से एक हद तक वो कम हो गया अब्दुल्लाह की वालिदा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिनते अमर था अब्दुल्लाह के दो सगे भाई जुबैर और अबू तालिब थे बीबी आमिना से निकाह के बाद अब्दुल्लाह ने रवाज के मुताबिक तीन दिन तक ससुराल में क्याम किया इसके बाद तिजारत की गरज से शाम चले गए वापसी पर यसरिब यानी मदीना मुनवरा में ठहरे ताकि अपने वाल के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें मदीना मुनवरा ही में क्याम के दौरान वो बीमार हो गए आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुतलिब ने फौरन अपने बड़े बेटे हारिस को खबर गिरी के लिए मदीना रवाना किया हारिस मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ एक माह बीमार रहने के बाद अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए हैं इंतकाल के वक्त उन्होंने पांच ऊंट चंद बकरियां और एक बाधी छोड़ी जिसकी कुनियत उम्मन और नाम बरकत था अब्दुल्लाह का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले ही हो गया था गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादर ही में यतीम हो गए थे आपकी वालिदा सैयदा आमिना तहारत नफ्स शराफत इज्जत इफ्फत इस्मत और पागबाजी में बेमिसाल थी अपनी कौम में सैद तुलिस के लकब से मशहूर थी दध्याल और ननहयाल दोनों के एतवार से आप अरब के बेहतरीन कबीले और बेहतरीन कौम में से थी